नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन यानी इस घंटी पर क्लिक कीजिए। कश्मीर को लेकर भारत पर भड़के अफरीदी, अनुच्छेद 370 हटाने का किया विरोध, यूएन से लगाई मदद की गुहार। भारत और यूएन पर भड़के अफरीदी। पाकिस्तान के क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे को समाप्त करने के भारत के फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से इस मामले में दखल देने की मांग की है। अफरीदी ने कहा है कि कश्मीर के लोगों को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के तहत उनके अधिकार दिए जाने चाहिए। बता दें कि सोमवार को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया। इस संबंध में राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पास कर दिया गया। शाहिद अफरीदी ने इस कदम के बाद संयुक्त राष्ट्र पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को बनाए जाने पर सवाल किया और पूछा कि क्या यूएन सो रहा है। सेना की वर्दी में धोनी की एक और फोटो वायरल। एक ओर जहां टीम इंडिया वेस्टइंडीज में T20 सीरीज पर कब्जा कर चुकी है, वहीं दूसरी ओर पूर्व कप्तान MS धोनी क्रिकेट से ब्रेक लेकर सेना में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल धोनी फिलहाल साउथ कश्मीर में क्विटर फोर्स के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। धोनी की रोजाना कोई न कोई फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है। सेना के कैंप में धोनी की एक और फोटो सोशल मीडिया पर छाई हुई है, जिसमें वो अपने जूते में पॉलिश करते हुए दिख रहे हैं। स्टेन ने टेस्ट क्रिकेट को कहा अलविदा। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाजों में से एक और लंबे समय तक दक्षिण अफ्रीका के आक्रमण के अगुआ रहे डेल स्टेन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, लेकिन वह खेल के छोटे प्रारूप में खेलते रहेंगे। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने वाले 36 साल के स्टेन ने कहा कि मैं खेल के उस प्रारूप को अलविदा कह रहा हूं, जिसे मैं सबसे अधिक चाहता हूं। स्टेन ने 2004 में इंग्लैंड के खिलाफ पोर्ट एलिजाबेथ में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था। उन्होंने अपना अंतिम टेस्ट मैच इसी मैदान पर श्रीलंका के खिलाफ इस साल जनवरी में खेला था। स्टेन ने 93 टेस्ट मैचों में 439 विकेट लिए और वो सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में शीर्ष 10 में शामिल हैं। मैकलम ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ब्रेंडन मैकलम ने सोमवार को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का फैसला किया। मैकलम इस वक्त कनाडा में हैं, जहां वो ग्लोबल T20 लीग में खेल रहे हैं। ये टूर्नामेंट उनके पेशेवर करियर का आखिरी मुकाबला होगा। मैकलम ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि मैं बेहद गर्व और संतोष के साथ इस बात का ऐलान कर रहा हूं कि मैं ग्लोबल T20 लीग के बाद क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले रहा हूं। मैकलम ने साल 2016 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया था, हालांकि इसके बावजूद वो विभिन्न T20 लीग में खेलते रहे। टिम पेन ने स्मिथ की करी जमकर तारीफ। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान टिम पेन ने इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज के पहले टेस्ट मैच में अपनी टीम को 251 रनों की शानदार जीत दिलाने वाले स्टीव स्मिथ की जमकर तारीफ की है। स्मिथ ने दोनों मैच की पारियों में शतक जमाया। उन्होंने पहली पारी में 144 और दूसरी में 142 रन बनाए। पेन ने मैच के बाद कहा कि उनके बारे में कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, शायद मैंने अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन देखा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। आप अपने कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं।